बात करते हैं असहिष्णुता की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। आपको बता दें, अभिनेता अमोल पालेकर अपने भाषण को लेकर विवादों में आ गए हैं। मुंबई में उन्हें बीच में ही रोक दिया गया था और आज उन्होंने अपने भाषण पर सफाई भी रखी है। विवाद के बाद बैकफुट पर आए अभिनेता अमोल पालेकर, कहा पहले से ब्रीफ नहीं मिली थी। मुंबई में NGMA के कार्यक्रम में अमोल पालेकर ने संस्कृति मंत्रालय की आलोचना की। शनिवार को NGMA में प्रभाकर बारहवें की स्मृति में आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई थी। बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर अमोल पालेकर ने कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्णय पर सवाल उठाया। अमोल पालेकर ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय NGMA से जुड़ी एडवाइजरी कमेटी को खत्म कर रही है। NGMA के अफसरों ने अमोल पालेकर को विषय से संबंधित बात रखने को कहा। शनिवार को मुंबई की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में प्रभाकर बारहवें की स्मृति में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। बोधना आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में अमोल पालेकर बुलाए गए थे। यहां पर उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप की बात उठाई। इसके बाद NGMA के अधिकारियों ने उन्हें विषय पर अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद भी अमोल पालेकर चुप नहीं हुए। However, on 13th November, another disastrous decision was apparently taken, namely, all future exhibitions, sorry, what did you mean? We have to say, the function is about Prabhakar Barve, we just stick to that, I'm sorry. Yes, I am relating to Prabhakar Barve only. This is not, Although she is so much junior, I respected that position and I therefore said, okay, I will conclude and I concluded my thing. NGMA में अमोल पालेकर के साथ हुए विवाद के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। अमोल पालेकर ने तो वो कुछ चाह रहे होंगे पहले से, अब उनको नहीं मिला इसीलिए वो आलोचना कर रहे हैं। अब सबको तो दिया नहीं जा सकता है, कुछ ही लोगों को मिल सकता है। जितने सीमित पद हैं तो उसी पर सीमित लोग बैठेंगे, ये असीमित वाले में आते थे इसलिए इनको कुछ मिला नहीं तो आलोचना कर रहे हैं। अमोल पालेकर जैसा एक शरीफ और बाइज्जत आर्टिस्ट जिसने हिंदुस्तान के बॉलीवुड को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है, ऐसे आर्टिस्ट की इस तरह से बदतमीजी करना, उसे बुलाकर स्टेज पर बोलते समय टोकना, और जब अगर वो अपने ख्यालात प्रकट कर रहा है तो बर्दाश्त की ताकत नहीं, इंटॉलरेंस की ये सबसे लेटेस्ट मिसाल है। तो क्या इस देश में सभ्य संवाद की अब जगह समाप्त हो गई? क्या कोई अपना मत रख सकता है इस तरह से जिससे कि एक संवाद हो और ना कि लड़ाई हो?